बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट। कि डेटाबेस इन्वायरमेंट के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनमें केस टूल्स हैं, रिपोजिटरी है, DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यूज़र इंटरफेस, डाटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम डेवलपर्स और एंड यूज़र्स। वन बाय वन हम इन तमाम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि केस टूल्स क्या हैं। केस जो है वो स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। के ऐसे टूल्स सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं, जो हम जब डेवलपमेंट प्रोसेस हम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं आके हमें ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जो हमें ऑटोमेटेड सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ बता रहा है कि सॉफ्टवेयर टूल्स डेट प्रोवाइड ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर सम पोर्शन ऑफ द सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोसेस। कि जब हम कोई डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि ऑटोमेटिकली हमें कुछ जो है ना वो कुछ ऑटोमेटेड सपोर्ट दे देते हैं, जो बिल्ड इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो किए ही उस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। टूल्स ही सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए जाते हैं। रिपोजिटरी, रिपोजिटरी के बारे में हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब दोबारा करते हैं कि रिपोजिटरी क्या है। कि सेंट्रलाइज नॉलेज बेस ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशंस, डाटा रिलेशनशिप्स एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट्स। ऐसा सेंट्रलाइज नॉलेज जो है वो पूरी एक नॉलेज की बेस बनी हुई है। यानी बेस क्या है कि जहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनमें क्या क्या है, डाटा डेफिनेशन हैं, डाटा रिलेशनशिप्स हैं और जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स, यानी हर चीज़ की डिटेल, हर चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। आपकी डाटा बेसिस भी होती हैं, वो मुख्तलिफ डाटा बेसिस सारी इकट्ठी होकर एक ही जगह पर पड़ी होती हैं, जिसको हम वो पूरा ओवरऑल एक रिपोजिटरी कहते हैं। आगे फिर हर एक जो है वो डाटा बेस का अपना अपना वर्क होता है। तो अब आगे आता है DBMS। DBMS का आप पढ़ चुके हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके तहत हम सिस्टम में क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, या कोई कंट्रोल्ड एक्सेस जो है वो डेटाबेस यूज़र को जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। कि DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट इज़ यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू यूज़र डेटाबेसेस। अब आगे हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट आ रहा है वो है डेटाबेस। डेटाबेस अब क्या चीज़ है, आपको इस का काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका है कि डेटाबेस क्या है। कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा, यूजली डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मल्टीपल यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। के ऐसी ऑर्गेनाइज तरीके से की हुई कलेक्शन जो है वो किस तरह कलेक्शन आपने किया है, लॉजिकली रिलेटेड डाटा, और उसको हम क्या क्यों क्यों करते हैं लॉजिकली रिलेट की कलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, कि किस लिए, कि यूजली डिज़ाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मल्टीपल यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिसके ज़रिए से हम जो है कोई ऐसी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जिसके हमें ज़रूरत होती है हम वो चीज़ करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डाटा बेस एंड द रिपोजिटरी। सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो दोनों में, क्योंकि चीज़ें ऑलमोस्ट सेम सेम आती हैं तो कई दफ़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि डेटाबेस और रिपोजिटरी में क्या फ़र्क है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको डेटाबेस में और रिपोजिटरी में डिफरेंस का पता होना चाहिए। द रिपोजिटरी कंटेन डेफिनेशन ऑफ डाटा, रिपोजिटरी के अंदर डाटा की डेफिनेशन होती हैं, और जबकि डेटाबेस का क्या है, डेटाबेस कंटेन अक्रेंसेस ऑफ द डाटा। अब आगे आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन द डाटा बेस। ऐसे अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या काम करता है कि प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ है, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, और वो किस लिए होते हैं, वो क्रिएट या मेंटेन करने के लिए, किसको, डेटा बेस को। तो कोई भी डेटा बेस है उसको क्रिएट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या करते हैं, और उनका क्या काम है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और यूज़र्स को जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। यानी जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं। सबसे आगे आ जाती है अगली चीज़, यूज़र इंटरफेस।
इंटरफेस कहते हैं कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, अब आपको आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है, आपके मोबाइल की स्क्रीन नज़र आ रही है, आपके लैपटॉप के ऊपर जो चीज़ चल रही है वो आपका इंटरफेस है। आप कोई भी एप्लीकेशन करते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर करते हो, आप कोई गेम करते हो, आपको जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो उसका क्या है, इंटरफेस है। अब यूज़र इंटरफेस क्या है, द यूज़र इंटरफेस इंक्लूड्स लैंग्वेजेस, मेन्यूज एंड अदर फैसिलिटीज बाई विच यूजर इंटरेक्ट विद द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स सच एज केस टूल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम, द DBMS एंड द रिपोजिटरी। कि अब ये क्या है कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अब केस टूल्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, DBMS है, रिपोजिटरी, यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको बाहर नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं और वो क्या है कि यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, और वो सारी कंपोनेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको मिल के जो है वो चीज़ बनी हुई है। अब आपको बैक एंड का नहीं पता, लेकिन आपको फ्रंट एंड पे वो सारी चीज़ें आपस में चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब केस रूल्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, DBMS किस तरह वर्किंग कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम किस, वो आपको वर्किंग नहीं पता, लेकिन आपको जो सामने स्क्रीन जो सारी चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही है, वो आपका क्या है, इंटरफेस है। फिर आगे आता है डाटा एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या, एडमिनिस्ट्रेटर नाम से ही जो है वो पता चल रहा है कि कोई एडमिन टाइप है कोई चीज़ का, जिसके कंट्रोल में है सारी चीज़ें। तब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या चीज़ है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स आर पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिसोर्सेज इन ऑल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जब आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया तो जाहिर बात है किसी ना किसी को आप उसका कंट्रोल दोगे, तो वो जो पर्सन जिनके पास उसका पूरा कंट्रोल होगा और वो पूरे उसकी ओवरऑल मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, ये डाटा किस तरह मैनेज करना है, यानी उस टोटल जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिन पर्सन के ऊपर होगी उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। अब LMS होता है, CMS या पोर्टल जो है यूनिवर्सिटीज का, उसमें भी क्या है कि वो जो डाटा सारे हैं टीचर्स एंटर कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो डीन्स हैं, हेड्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स, वो सारी वैल्यू अपनी अपनी डाटा स्टूडेंट्स का और इनका एंटर कर रहे होते हैं, लेकिन उस पूरे को जो सिस्टम को मैनेज कर रहा था वो कौन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो हर एक चीज़ को चेक कर रहा होता है, उसको मेनटेन कर रहा होता है, वो क्या है, डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन एंड फॉर मैनेजिंग टेक्निकल इश्यूज इन द डेटाबेस इन्वायरमेंट। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एक तो ये है कि वो जितनी भी फिजिकल डेटाबेस है उसका पूरा डिज़ाइन है, उसकी वर्किंग किस तरह हो रही है, उसको सारा मतलब वो पूरा एक फिगर करके पता होगा ये इस तरह वर्किंग हो रही है, ये इस इधर डीलिंग हो रही है, ये इधर डीलिंग, मार्क्स कहाँ पे एंटर हो रहे हैं, स्टूडेंट को किस तरह टेबल आपस में किस तरह लिंक्ड है, यानी वो सारी जो है डेटाबेस का जो है पूरा फिजिकल एक डिज़ाइन हो। उसके बाद क्या है कि जितने भी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, किसी वजह से कोई इशू आ रहा है, अब कोई टीचर जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं लेकिन मार्क्स एंटर नहीं हो रहे, अब वो देखना है कि इशू किस तरह का, टेक्निकल इशू है क्या है, उस तरह के वो आया ह्यूमन एरर है या किस तरह की चीज़ है, तो वो सारी जो चीज़ें मैनेज करने के वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है। अब उसके बाद आता है सिस्टम डेवलपर। सिस्टम डेवलपर्स, अब कौन से डेवलपर से ही नाम से आइडिया हो रहा है कि कुछ चीज़ डेवलप कर रहे हैं, अब सिस्टम डेवलपर जो सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, असिस्टेंट डेवलपर्स आर पर्सन सच एज सिस्टम्स एंड एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। अब वो सिस्टम एनालिस्ट हैं या प्रोग्रामर्स हैं हु डिज़ाइन न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऐसे पर्सन कि जो क्या कर रहे हैं, सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं और उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, कि साथ क्या कर रहे हैं वो, डिज़ाइन न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, के साथ ही वो न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन कर रहे हैं। सिस्टम डेवलपर्स ऑफन यूज केस टूल्स फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड प्रोग्राम डिज़ाइन। अब क्या है कि जो डेवलपर होते हैं वो केस टूल्स को भी यूज़ करते हैं सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, और साथ जो है प्रोग्राम का डिज़ाइन करते हुए आप कई केस टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब जो भी पूरा सिस्टम को डेवलप कर रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपर, कि जो पूरी की पूरी डेटाबेस या पूरा एक सिस्टम जो आपको बना के दे रहा है, आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम बना के दे रहा है, उसको डेवलपर कहते हैं। और सबसे आखिर में आ जाता है एंड यूज़र। एंड यूज़र अब क्या है, एंड पता चल रहा है कि आखिर वाला यूज़र, आखिरी यूज़र अब क्या है, अब जो भी सिस्टम को सबसे आखिर में यूज़ कर रहा है, जिसके लिए वो सारा सिस्टम बनाएगा, उसको हम कहते हैं एंड यूज़र। अब आप किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, आप वहाँ पे देखें या किसी शॉप पे चले जाएं, अब वहाँ पे अब मोस्टली शॉप्स के ऊपर क्या है कि सिस्टम बना हुआ है, मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, कैशियर काउंटर पे
कैश काउंटर पे कैशियर बैठा हुआ, उसके आगे एक सिस्टम पड़ा हुआ, उसको डील कर रहा है। यानी अब डेवलपर ने बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटर उसको डील कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो उसको चला रहा है, जो उसको मैनेज कर रहा है वक्ती तौर पे, जो अपनी एंट्रीज कर रहा है सारा कुछ, वो क्या है, वो एंड यूज़र। एंड यूज़र अब कहाँ पे, उस जगह पे क्या है, कैशियर है। एंड यूजर्स आर पर्सन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हु एड डिलीट एंड मॉडिफाई डाटा इन डाटा बेस एंड हु रिक्वेस्ट और रिसीव इंफॉर्मेशन फ्राम इट। अब वो क्या करते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एंड यूजर्स क्या है, जो ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या डेटाबेस के अंदर डाटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑल यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस मस्ट बी रूटेड थ्रू द डीबीएमएस। और जितने भी यूजर हैं जो डेटाबेस में रूट कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, डीबीएमएस के थ्रू जो है वो रूट होने चाहिए। आज हमने जो किया है वो क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस के साथ, डेटाबेस इन्वायरमेंट जो हमारा डेटाबेस का पूरा वो है इन्वायरमेंट कि जिसके अंदर वर्किंग हो रही है, सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके वो पूरे का पूरा एक डेटाबेस इन्वायरमेंट बनता है, उसमें सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि सबसे पहले केस टूल आता था, वो जो ऑटोमेटेड कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए हम कर रहे हैं, फिर रिपोजिटरी आता है जहाँ पर सारी डेफिनेशन और सारी चीज़ें, डाटा डेफिनेशन और इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, फिर डीबीएमएस है कि जिसके ज़रिए से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, फिर डेटाबेस आ गई कि जिसके अंदर आपकी क्या है, आपके ऐसे जो यूज़र के रिकॉर्ड वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपने जिस चीज़ के रिलेटेड डाटा मेंटेन कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से आप वो सारा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस को रन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है पूरा प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप कर रहे हैं, फिर यूज़र इंटरफेस है कि जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है जिसको देखते हुए आप सारे कर रहे हैं, वो चाहे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको देख के कर रहा है, चाहे वो यूज़र उसको कर रहा है, या जो भी बंदा है जो उसको आपको सामने चीज़ नज़र, वो यूज़र इंटरफेस है। फिर डाटा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके क्या रोल्स हैं, उसने किस तरह मैनेज करना है, या एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम होता है, ये चीज़ थी। फिर सिस्टम डेवलपर के बारे में हमने पढ़ा कि सिस्टम डेवलपर क्या काम करता है, कि वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करता है, उनको रन करता है, और सबसे आखिर में आ जाता है एंड यूज़र कि एंड यूज़र जो है वो क्या करता है, क्या होता है, उसका क्या काम है, वो चीज़ें मेंटेन कर रहा है, उसमें ऐड कर रहा है, कुछ चीज़ डिलीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, यानी वो सारी जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो जो कुछ कर रहा है जिसके लिए वो सारा सिस्टम बनाया गया था, जो उस पर एंट्रीज कर रहा है, वो एंड यूज़र था। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।